गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अपने सेकेंड यूनिट में 5-ईयर प्लान कंप्लीट कर चुके थे, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 एंड सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। तो ये जो 3 टॉपिक है वो आज हम पढ़ेंगे और ये हमारे सेकेंड यूनिट के लास्ट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है। इन अप्रैल 1976 इंडिया फॉर्म्ड इट्स फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कॉल्ड फॉर एन इंक्रीज इन द लीगल मिनिमम एज ऑफ मैरिज फ्रॉम 15 to 18 फॉर फीमेल एंड फ्रॉम 18 to 21 फॉर मेल्स। ये फीमेल्स नहीं है, ये मेल्स है। न्यू पॉलिसी स्टार्टेड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल फैमिली नॉर्म्स। इसमें ये बताया गया था कि जो लीगल मिनिमम एज है बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए, उसको इंक्रीज किया जाना चाहिए। फीमेल्स के लिए ये 15 से 18 तक हो जानी चाहिए, जो पहले 15 थी अब उसको 18 तक हो जानी चाहिए, और जो मेल्स के लिए है वो 18 से बढ़ के 21 हो जानी चाहिए। जो न्यू पॉलिसीज़ थी वो मेनली किसको इम्पोर्टेंस दे रही थी? स्मॉल फैमिली नॉर्म्स को। तो इसमें दो चीज़ याद रखने के लिए हमें हमेशा रखनी है कि इसमें सबसे पहला तो जो मैरिज एज है उसके ऊपर डिस्कस किया गया, और जो स्मॉल फैमिली नॉर्म्स है उसके बारे में पॉलिसी बनाई गई। तो जो लीगल मिनिमम एज थी गर्ल्स की वो 15 से 18 कर दी जाए, ऐसा इसमें प्रावधान दिया गया। और जो सेकंड था वो ये था कि जो बॉयज़ की एज है वो 18 से बढ़ा के 21 कर दिया जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गोल्स टू बी अचीव्ड बाय 2010। इसमें जो फर्स्ट है कि कौन कौन से गोल्स अचीव करने थे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी को, तो फर्स्ट था मेक अ स्कूल एजुकेशन अप टू एज 14 ईयर्स फ्री एंड कंपलसरी। इसमें बताया गया जो स्कूल एजुकेशन है वो 14 ईयर की एज तक फ्री करनी चाहिए और कंपलसरी करनी चाहिए। मतलब जो स्कूल एजुकेशन है एक तो फ्री होनी चाहिए और 14 ईयर्स तक के लिए कंपलसरी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट, रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हमें जो IMR है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, उसको रिड्यूस करना है। थर्ड, रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। जो मोर्टेलिटी रेट है उसको भी हमें मैटरनल की उसको भी हमें कम करना है। फोर्थ, अचीव यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन फॉर चिल्ड्रन। जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए हमें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, मतलब अकॉर्डिंग टू इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्ड हमें जो भी इम्यूनाइजेशन है उन बच्चों को देना है, ताकि उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी पावर डेवलप हो सके और वो बहुत सारे डिजीज से अपने आप को बचा सकें। फिफ्थ, अचीव 100% रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ डेथ्स एंड मैरिज। इसमें मेन ये था कि जितने भी बर्थ डेथ या मैरिजेस हो रहे हैं उनको 100% उनका रजिस्ट्रेशन किया जाए। ठीक है, चाहे वो बर्थ हो रहा हो तो वहाँ पे भी उनका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, डेथ हुई हो वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, और अगर मैरिज हुई हो तो वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। तो ये फिफ्थ पॉइंट था कि हमें 100% रजिस्ट्रेशन करवाना है बर्थ डेथ और मैरिज का। सिक्स्थ, प्रिवेंट एंड कंट्रोल कम्युनिकेबल डिजीज़। जो कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट भी करना है और कंट्रोल भी करना है। सेवन्थ, एजुकेटिंग पीपल अबाउट स्मॉल फैमिली नॉर्म्स। जो लोग वह आ गए उन्हें हमें छोटे परिवार के लिए प्रेरित करना है और एजुकेट करना है, ताकि हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने से रोक सकें। एट्थ, अचीव 100% डिलीवरी बाय ट्रेंड पर्सनल। जितनी भी डिलीवरी है वो ट्रेंड पर्सनल से अटेंड हो। इसके लिए मेन ये था कि जितनी भी डिलीवरी वो इंस्टीट्यूशनल हो, होम डिलीवरी ना हो। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होगी तो अपने आप ट्रेंड पर्सन से होगी, जिसकी वजह से जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी रेट है या फिर मैटरनल मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट से वो कम हो जाएंगी। तो एट्थ पॉइंट ये कहता है कि हमें 100% जो भी डिलीवरी है वो ट्रेंड पर्सनल से करवानी है। तो एक और बार इसके गोल्स देख लेते हैं, कौन कौन से गोल्स थे। फर्स्ट था मेक स्कूल एजुकेशन अप टू एज 14 फ्री एंड कंपलसरी। इसमें बताया गया कि 14 साल तक जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उसको फ्री करना है और कंपलसरी करना है। सेकंड, रिड्यूस इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है उसको रिड्यूस करना है। थर्ड था रिड्यूस मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है उसको भी रिड्यूस करना है। फोर्थ, अचीव यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन फॉर चिल्ड्रन। जो चिल्ड्रन है उनके लिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन अचीव करना है और अकॉर्डिंग टू इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हमें इम्यूनाइजेशन देना है। फिफ्थ, अचीव 100% रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ डेथ्स एंड मैरिज। जितने भी बर्थ हैं, डेथ्स हैं, मैरिज, उसमें हमें 100% रजिस्ट्रेशन अटेन करना है। सिक्स्थ, प्रिवेंट एंड कंट्रोल कम्युनिकेबल डिजीज़। हमें कंट्रोल और प्रिवेंट करना है किसको? कम्युनिकेबल डिजीज़ को।
नेक्स्ट सेवन्थ, एजुकेटिंग पीपल अबाउट स्मॉल फैमिली नॉर्म्स। हमें लोग वागों को छोटे परिवार के लिए प्रेरित करना है और हेल्थ एजुकेट करना है। एट्थ, अचीव 100% डिलीवरी बाय ट्रेंड पर्सनल। जो डिलीवरी हो ट्रेंड पर्सनल से अटेंड हो, मेनली टू रिड्यूस इन्फेंट मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिलिटी रेट्स और मेटरनल मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिलिटी रेट्स। और ये कब हो सकता था, जब हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए लोगों को हेल्थ एजुकेट करें। तो ये था हमारी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। अब हम पढ़ेंगे नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002। जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002, उसमें हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें थी। तो फर्स्ट पॉइंट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी इज टू अचीव व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ अमॉन्ग जनरल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ है वो लोगों तक पहुँचानी है, कि स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ है क्या। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव तो ये था, टू अचीव व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ अमॉन्ग जनरल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। मेन, अगर इसको सिंपल टॉपिक में बात करें तो जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि सारे लोगों तक हमें हेल्थ प्रोवाइड करवानी है और लोगों की हेल्थ को प्रमोट करना है। सेकंड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन। हमें किसका एस्टेब्लिशमेंट करना है, न्यू हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स का एस्टेब्लिशमेंट करना है जितनी भी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन हो। जैसे कि मान लीजिए कोई PSC है, तो वहाँ पे हमें स्टाफ चाहिए पूरा। ठीक है, जितने भी हेल्थ नीडेड इक्विपमेंट्स हैं वो चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर एक बिल्डिंग बना दी तो वहाँ पे ना स्टाफ रिक्वायर्ड है ना आपके पास जो इक्विपमेंट्स है वो है। तो हमें सबसे पहले जितने भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन में, उनको मैन पावर भी प्रोवाइड करवाना है और साथ साथ जो भी नीडेड आर्टिकल्स या आइटम्स हैं वो प्रोवाइड करवाने, ताकि लोगों की हेल्थ को प्रमोट किया जा सके। थर्ड, दिस पॉलिसी मेनली फोकस ऑन डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, ब्लाइंडनेस एंड एड्स। ये जो पॉलिसी थी, हेल्थ पॉलिसी, वो मेनली डिजीज जो थे वो चार थे, मेनली ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, ब्लाइंडनेस और एड्स। ये कुछ डिजीज ऐसे थे जिस पर नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 फोकस था, क्योंकि इनकी वजह से बहुत ज़्यादा मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी हुआ करती थी। नेक्स्ट पॉइंट, द हेल्थ पॉलिसी ले डाउन गोल्स टू बी अचीव्ड बाय 2005, 2007, 2010 एंड 2015। ये जो हेल्थ पॉलिसी थी, इसने जो भी अपने गोल हैं वो 2005, 2007, 2010 और 2015 तक अटेन करने की, एक गोल अचीव करने का टाइम लिमिट दिया था। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी की अगर हम बात करें, तो जो सबसे पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हमें लोगों तक स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोवाइड करवानी है, मतलब लोगों की हेल्थ को प्रमोट करना है। सेकेंड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन। जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे न्यू हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का एस्टेब्लिशमेंट करना है, ताकि हम लोगों की हेल्थ को प्रमोट कर सकें। थर्ड, दिस पॉलिसी मेनली फोकस ऑन डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, ब्लाइंडनेस एंड एड्स। ये जो पॉलिसी थी वो मेनली कौन कौन से डिजीज पर फोकस करती थी, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, ब्लाइंडनेस और एड्स पर। फोर्थ, द हेल्थ पॉलिसी लेड डाउन गोल्स टू बी अचीव्ड बाय 2005, 2007, 2010 एंड 2015। ये जो हेल्थ पॉलिसी थी, इसने अपने गोल अचीव करने के लिए टाइम था वो 2007, 2005, 2010 और 2015 को दिया था। तो ये है आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 9th August 1950 बाय प्रेसिडेंट। जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ है, जिसको हम बोलते हैं CCH, वो 9 अगस्त 1950 को प्रेसिडेंट द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। The main objective of this council is to maintain coordination between center and state for the implementation of program and policy related to health. जो main objective है इस council का, वो ये है कि जो state और center है उसके बीच में coordination बनाए रखना और implementation of program and policy related to health, जितने भी health के related policies और program हैं उनको implement करना। तो इसमें हमें mainly तीन चीज़ पढ़ी। पहला तो Central Council of Health 1950 में 9 अगस्त को प्रेसिडेंट द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव थे, पहला तो जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन सेंटर और स्टेट वो बनाकर रखना है, दूसरा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू हेल्थ, जितनी भी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स हैं रिलेटेड टू हेल्थ उसको इसको इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। पहला फंक्शन है मेकिंग प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इन द एंटायर नेशन। पूरे नेशन में हमें ये जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ है वो प्लान बनाता है, ताकि हेल्थ को डेवलप किया जा सके और लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके। जैसे कि जितने भी प्लान्स हैं रिलेटेड टू एनी डिजीज, जैसे नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम, मलेरिया प्रोग्राम, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, वो सारे सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ बनाता है और पूरे नेशन के लिए बनाता है, ताकि इस
कोई भी डिसीज़ जो पर्टिकुलर डिजीज़ होने वाली मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी को रोका जा सके और लोगों की हेल्थ को प्रमोट किया जा सके। सेकेंड, प्रोवाइडिंग ग्रांट एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू हेल्थ फॉर मेडिकल सर्विसेज। जितनी भी स्टेट्स हैं उनको ये ग्रांट प्रोवाइड करवाता है, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करवाता है रिलेटेड टू मेडिकल सर्विसेज। ठीक है, मतलब जितनी भी स्टेट है उनको ये क्या प्रोवाइड करवाएगा, मेडिकल सर्विसेज के लिए ग्रांट भी प्रोवाइड करवाएगा और फाइनेंशियल असिस्टेंट। जैसे किसी को कुछ मेडिकल मेडिकल के लिए कुछ खरीदना है, जैसे किसी को सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीदने हैं, तो वो उसकी ग्रांट जो है वो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाएगी, फाइनेंशियली उसको असिस्ट करेगी और उनके जितने भी मेडिकल सर्विसेज के लिए, जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए उनको ज़रूरत है उसके लिए वो ग्रांट देगी और उनको खरीदवाने में मदद करेगी। नेक्स्ट, ब्रिंगिंग प्रपोजल्स फॉर मेकिंग लॉज इन एरियाज ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ। इसका एक और काम होता है कि ये प्रपोजल्स लाता है लॉज बनाने के लिए इन द एरियाज ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ, मतलब हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उनके लिए प्रपोजल्स बना के सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ लाता है। इसके तीन मेन फंक्शन है, पहला तो प्लान बनाना ताकि हम हेल्थ को डेवलप कर सकें पूरे भारत में या पूरे नेशन में। नेक्स्ट, ग्रांट्स और फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करवाना मेडिकल सर्विसेज के लिए स्टेट्स को, और प्रपोजल्स लाना किसके लिए, इन एरियाज ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ। तो ये कुछ फंक्शन थे सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ के। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। इसमें हमने इसके गोल्स क्या क्या थे वो जो उनको अचीव करने थे वो पढ़े थे। उसके बाद हमने नेशनल हेल्थ पॉलिसी देखी, इसके ऑब्जेक्टिव देखे क्या थे, उसके बाद हमने सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ देखा उसके और उसके फंक्शंस देखे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके साथ जो हमारा सेकेंड यूनिट है वो ख़त्म होता है। अब जो हम नेक्स्ट क्लास है उसमें हम एक नए यूनिट के साथ आएंगे, वो जो कि होगा यूनिट नंबर 3, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपका यहाँ पे जो सेकेंड यूनिट है वो ख़त्म हो चुका है। ये जो हमारा नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 था, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 और सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ था, वो इस यूनिट का आखिरी टॉपिक था। तो अगली बार हम जो हम पढ़ेंगे वो है 3rd यूनिट। सेकेंड यूनिट आपकी यहाँ पर ख़त्म हो गई है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।